दोस्तों, आज मैं कुछ बोगनवेलिया को अपने प्रून करूंगी। अगर आपका बोगनवेलिया अच्छे से नहीं खिल रहा है और ये रेनी सीजन भी है, शुरुआत हो रही है, तो आप इनको प्रून कर सकते हैं। प्रून करने से क्या होगा, ये बहुत अच्छे घने हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा छोड़कर बाकी इनको आप प्रून कर दीजिए। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे घने होंगे, इनका तना मजबूत होगा और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं और साथ में ढेर सारी ब्रांचेस के साथ ढेर सारे हमें फूल देते हैं। तो दोस्तों, बीच बीच में इनको, सबसे इनकी दवा एक ही है, इनको प्रून करते रहिए, तो इससे ये आपके पौधे बहुत घने बनेंगे और ढेर सारे फूल देंगे। खिले हैं, उस चीज़ को आप मत देखिए कि खिले हैं, वो तो खिलेंगे ही थोड़े थोड़े, लेकिन हमको तो अच्छा चाहिए ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़कर, चार चार अंगुल छोड़कर इनको आप प्रून कर दीजिए। देखिए, इस तरह से तो आपका पौधा ना बहुत खूबसूरत बनेगा, और नहीं तो पौधा ये लंदी लंदी हो के लंबे लंबे इनकी डालें हो जाएंगी। हमको तो बोंजाई चाहिए ना दोस्तों, हमको तो लंबी लंबी डालें नहीं चाहिए, क्योंकि हमको झाड़ी नहीं बनाना है इनको, हमको इनको बोंजाई बनाना है। तो उस हिसाब से इनकी हमें कटिंग करनी होगी। कटिंग करने से खूब घना होता है ये, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी और हर ब्रांच में फूल निकलेगा। थोड़े थोड़े खिले हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, फिर खिल जाएगा ये और बहुत जल्दी खिलेगा। देखा, इसको हमने प्रून कर दिया। तो आप प्रून करते रहिए बीच बीच में अपने, जब ज़रूरत हो। हार्ड प्रूनिंग नहीं करिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन प्रून तो करना पड़ेगा। हार्ड प्रूनिंग कहलाता है आपका ये, जैसे पूरा आपने इसको कट कर दिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से, उर्मिला गार्डन चैनल से आपका सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे, एक नई जानकारी देंगे हम आपको। तो आज हम दोस्तों, हमारा परचुलाका जो है फूलों की टोकरी बना हुआ है, हमने सोचा आप कि आपको दिखा दें। तो ये हमारी टोपियारी है परचुलाका की, और हमने बहुत मेहनत करी थी इसको बनाने में, लेकिन अब इसका रिजल्ट जो है हमें बहुत खूबसूरत मिल रहा है। देखिए आप, और कितने मतलब कलर में है ये, ढेर सारे कलर में। देखिए ऐसे, मतलब कि इसमें पिंक है साइड साइड में, और पीच कलर दिख रहा है इसमें भी। देखिए, ये पिंक है और डार्क पिंक दिख रहा है, पीच कलर, ऑरेंज, तो बहुत ही सुंदर। ये देखिए, बहुत खूबसूरत कलर। दोस्तों इसको धूप चाहिए अच्छी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बीच बीच में थोड़ी सी खाद डालिए, बर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास जो कंपोस्ट हो। देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है क्या, और ये वाइट। तो अब बज गए 9 और 9 o'clock, खिल गया। तो हमने कहा आपको दिखा दें, क्योंकि हम सुबह सुबह शूट कर लेते हैं, तो आपको हम इनको नहीं दिखा पाते। तो दोस्तों, आप लोग भी उगाएं, बहुत आसानी से एक छोटी सी कलम से ये उग जाता है। जो कलर पसंद हो, या मल्टी कलर साथ में एक साथ उगाएं, या अलग अलग इनको उगाएं, जैसे भी उगाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और आपकी बगिया को बहुत ही मनमोहक रूप देते हैं। देखिए, कुछ ब्रांचेस इसकी हमने नीचे ऐसी छोड़ी हुई थी, तो ये भी बहुत सुंदर खिलता है। देखिए यहाँ से एक इसकी जड़ में, तो ये भी बहुत अच्छा खिलता है। तो इसको भी आप प्रून कर दीजिए। इस तरह से लंबी लंबी जो डालें हैं, इनको हटा दीजिए। एक सुंदर शेप दीजिए अपने पौधे को, तभी वो अच्छा दिखेगा। इस तरह से मैं इसको और थोड़ा कट करते, यहाँ से फिर ये बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ से जब निकलेगा ना घना होके, तो ये अलग दिखेगा और ये अलग दिखेगा। तो ये हमने कर दिया इसको सबको प्रून। अब आप देखना, इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी, इसका ये तना भी मोटा होता जाएगा, और फिर इसी में ही आपका ये पौधा बोंजाई का रूप लेगा।
और नहीं तो ये झाड़ी नुमा बनता जाएगा। कटर अच्छा नहीं है दोस्तों, हम क्या बताएं आपको। सारी ब्रांचेस को काटना है, अगर मान लीजिए कोई छूट जाती है तो फिर काट दीजिए। ये देखिए ये हमारा, हम इसको फिर ये जो थोड़े थोड़े है ना ये फूल खिले थे उसके हैं, इनको भी हटा देंगे हम। ये लीजिए हट ही गया, ज़्यादा नखरा कर रहा है तो चल भी। मेरे को तो लगता है यहाँ से मार दूँ। अब ये सही प्रूनिंग हुई है इसकी, नहीं तो कोई छोटे कोई बड़े, तो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए इनकी ब्रांचेस। आप थोड़ा इस तरह से कट करेंगे तो ब्रांचेस छोटी रहेंगी और फूल बढ़िया खिलेगा। तो इस तरह से आप ब्रांचेस इनकी छोटी कर दीजिए। ये देखिए ठीक है, अब ये हुआ ना अच्छा, अब खिलेगा तो अच्छा दिखेगा। दोस्तों राम राम। दोस्तों रोजमर्रा की चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनको हम रिसाइकल करने के बजाय रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ऑयल का पॉलीथीन है, तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से कलम उगा सकते हैं और दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं। एक कलम कम से कम 3 महीना लेती है दोस्तों, तो आपका गमला घेरने के बजाय आप ऐसे ऐसे इसमें उगाएं और बहुत आसानी से फिर उनकी जड़ों को डिस्टर्ब करे बगैर आप इनको कट करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको करना क्या है कि आप ऑयल बाहर कर दीजिए, निकाल लीजिए और इसके बाद फिर इसको सामने से इसको कट कर दीजिए और थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए। इससे क्या होता है ये मजबूत हो जाता है, और इधर से भी आपको थोड़ा थोड़ा कट करना है ताकि इससे एक्सेस वाटर जो है बाहर आ जाए, निकल जाए, इसमें रहे ना, नहीं तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास 6 पॉलीथीन है, इस टाइम मैं ढेर सारी कलम तैयार कर रही हूँ और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया, जो कि मैं इसको यूज नहीं करती थी, तो इसमें मैं कलम उगा सकती हूँ। एक कलम 3 महीने रखना है तो हमारा गमला उसमें हो गया ना, मतलब इंगेज हो गया। इसी तरह से जो डिब्बे आते हैं ये प्लास्टिक के, ये भी फेंके जाते हैं, तो इनको भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कलम उगाने के लिए। छोटे मोटे पौधे भी उगा सकते हैं बट कलम के लिए तो परफेक्ट है ये, इस तरह से। तो इनमें करना क्या है कि बस आपको एक होल कर देना है और इसके बाद आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 महीने इनको रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक मतलब 20-22 दिन में कलम में तो 1 हफ्ते में ही अंकुरण हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि उनमें जड़ें जो है बहुत कमज़ोर रहती हैं, तो उनको आप अगर उखाड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आप ऐसे छोटे छोटे इस पे कंटेनरों में लगाइए और छोड़ दीजिए इनको 3 महीने के लिए। क्या करना है, 3 महीने बाद इनको निकालिए तो फिर आपका बहुत अच्छा परफेक्ट रहेगा कलम। इसी तरह से दोस्तों ये जो कंटेनर है बहुत अच्छा होता है, आप मेरी बात मानिए, फ्रूट कंटेनर चाहे थोड़ा सा टूटा फूटा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि अगर इनके जो होल हैं इनसे मिट्टी निकलती है या खाद निकलती है, बहुत आसान तरीका है। बोरी लीजिए, देखिए ये बोरी है, मैंने इसको कट कर दिया है चारों तरफ से। अब इसको करना क्या है आपको कि बस इसको इस तरह से आप इसमें चारों कोनों में ऐसे फिट कर दीजिए। ये देखिए ये इनको ढकते हुए इस तरह से, एक हाथ से नहीं बन रहा, मैं आपको करके बताती हूँ। और आप चाहें तो आप टेप के द्वारा भी इनको अंदर तरफ से, दोस्तों बाहर तरफ से नहीं, जैसे ये प्लास्टिक का टेप लगा ना देखिए ये वाला, इससे आप अंदर तरफ से बहुत आसानी से इसको चारों तरफ से टेप घुमाकर इसके होल को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये गमले से हजारों गुना बेहतर और एक रिसाइकल करने के बजाय रीयूज करना ज़्यादा बेहतर है। आप इसको फेंक देंगे या तो कोई कबाड़ी ले जाएगा, इसमें आप सालों साल पौधे उगाएंगे, इसको कुछ नहीं होता है। दोस्तों मैं इसको बरसों से इस्तेमाल कर रही हूँ, गमले टूट जाते हैं लेकिन ये नहीं टूटता है। तो इसको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हमको भरना है। पहले तो चारों तरफ आप इस प्लास्टिक को एक बराबर
तय कर लीजिए कि एक बराबर ये हो रही है, जो कि एक हाथ से नहीं बनेगा। फिर दोस्तों मैं ये लाई हूँ मिट्टी, किस तरह से बनाती हूँ मैं। ये राइस हस्क है और ये नॉर्मल मिट्टी है, गार्डन सोयल, बहुत अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी। और ये है खाद जो मैं रखती हूँ, आपको पता है। इन तीनों चीज़ों को, हालांकि मेरे को और मिक्स करना है इसमें राख वगैरह भी, लेकिन अभी राख इधर कहीं रखी होगी, खोजती हूँ। तो वो सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं एक मिक्स तैयार करूँगी, जो कि मैं इनमें सब में भरूंगी। और जब मेरे को मर्जी होगा, जब मैं कहीं से कुछ कटिंग लाऊंगी, तो इनमें उगा दूंगी। जैसे ये सदाबहार, इतना ये डिब्बा है जिसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, अच्छा डिब्बा है, इसमें होल करके मैंने उगा दिया सदाबहार। तो दोस्तों इस तरह से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं मिट्टी और अपने गमले भर लेते हैं, कुछ पौधे लेकर आई हूँ, उनको हमें उगाना है। तो इस तरह से आप नीचे इसमें होल कर लीजिए, और होल करके इसमें अच्छे से मिट्टी को, जो भी मिक्स आप तैयार करते हैं, थोड़ी सी खाद तो होनी ही चाहिए, राइस हस्क से मिट्टी आपकी हल्की बनती है, और नॉर्मल मिट्टी, और इस तरह से आप इसमें इसको फिल कर दीजिए। देखिए एक हाथ से होगा नहीं, मैं करके फिर बताती हूँ। देखिए कितना बढ़िया एक छोटा सा पौधा इसमें हमने उगा दिया। अब इसमें होगा क्या कि जब इसको हम निकालेंगे तो इसको, पौधे को शौक नहीं लगेगा, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और कट करके जो इसकी जड़ें बंधी होंगी उसको हम निकाल लेंगे। और दोस्तों इसको सुरक्षित रखने के लिए आप इस तरह से जो कंटेनर होते हैं, उन कंटेनरों में भी एक लाइन से ऐसे रख दीजिए, और इसको ऐसे कंटेनर को आप कहीं उठा के रखेंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस तरह से ये, इनको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी मेरे पास आज इतनी ही कलम है, तो मैं इसको इतना ही मैंने उगाया है। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह से चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मतलब हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी जगह भी बचेगी। तो इसको अब मैं कहीं रखूंगी सुरक्षित जगह। पहले तो मैं इस मिट्टी को इन गमलों में भर दूं। एक गमला हमने भर लिया है, दो बचे हैं, तो इनको भर लूं। इसके बाद फिर मैं इसको बताती हूं आपको कि इसको कहीं ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पर रखिए जहां ये डिस्टर्ब ना हो, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। दोस्तों जब भी गमला भरें, इस थर्माकोल के टुकड़े को, जो कि कभी आप सामान कुछ भी मंगाते हैं थोड़ा मोड़ा, तो उसमें कोई कोई चीज़ों में आता है इसको सुरक्षित करने के लिए सामान को, तो इनको आप फेंके नहीं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। खपड़ा ईंटा डालने के बजाय आप थर्माकोल डालिए, थर्माकोल सड़ता नहीं, खराब नहीं होता, हल्का होता है, और आपकी जड़ों को, जो इसमें जड़ें निकलेंगी ना, उसमें एयर बहुत अच्छा मिलता है जड़ों को, तो बहुत अच्छा पनपती हैं। थोड़ा मेरे पास कम है, इधर उधर होगा, मेरे खोजना पड़ेगा, लेकिन इतना चलिए ठीक है। इसके ड्रेनेज भी बंद नहीं होंगे, पानी भी बहुत अच्छा इसमें पास होगा, और बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो इसको आप लोग जरूर अपने कंटेनर में सबसे पहले नीचे, खासकर बोगनवेलिया में इसको जरूर डालें। इसमें एयर भी मिलता है, और इसके ऊपर ना जड़ें भी बहुत अच्छी फैलती हैं, और आपका कंटेनर भी हल्का रहता है, क्योंकि ढेर सारे पत्थर डालने से अच्छा इसको डालेंगे, बहुत हल्का होता है, और ये सड़ता उड़ता भी नहीं है। तो इस तरह से आप ड्रेनेज में इनको डालें। तो अब ये मैंने डाल दिया, अब मैं भरूंगी ये जो हमने मिक्स तैयार किया है इस। दोस्तों ये है गिलोय की एयर वाली जड़ें, जो ये ऐसे हवा में फेंक कर और खाना पानी कलेक्ट करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही जीवट पौधा है, जहाँ रहता है ना ये बहुत तेज़ी से जगह फैल, मतलब घेर लेता है। ये देखिए इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये तो मैं इनको हटाते रहती हूँ, लेकिन ये बार बार हो जाता है। ये देखिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिलोय क्या करेंगे दोस्तों। एक टाइम ऐसा था कोरोना काल के टाइम में कि मेरे पूरे घर में गिलोय ही गिलोय। दोस्तों इसको देखना, ये एक निकला है हमारे यहाँ मशरूम, इसको खाते हैं कि नहीं खाते हमको नहीं पता, वैसे तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन आप बताना। देखिए कितना सारा निकला है, आपको दिखा रही, ये देखिए बहुत सारे निकले हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपनी छत पर, दो जगह, चार पांच जगह लगाया सब्जियां, लेकिन अभी हम आए हैं सबसे ऊपर वाली छत पर। तो जैसा कि आपने देखा, इसको हमने नीचे नहीं भरा, क्योंकि हम फिर उठा कर नहीं ला पाते। इसमें हम क्या लगाएंगे हम आपको बताएंगे, पहले इसको हम भर लें। तो दोस्तों ये बहुत ऊपर तक नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऊपर तक मिट्टी हम नहीं भरते हैं, मिट्टी इसकी इतने में ही रहती है। तो उतने में ये इसका कवर है। वैसे मैं जो सूखे पत्ते भरती हूँ ना, ये देखिए इसमें मैं भरूँगी ढेर सारे सूखे पत्ते,
और हर अपने कंटेनर में मैं इस तरह से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मैं इसी तरह से ही सब्जियां उगाती हूँ। तो इससे होता क्या है दोस्तों, फर्स्ट तो हमारा कंटेनर बहुत हल्का रहता है, या फर्स्ट आप कह सकते हैं कि हमको पत्ते की खाद मिलती है ढेर सारी, और सेकंड हमारा कंटेनर हल्का रहता है, कम खाद मिट्टी में हमारे कंटेनर, जो बड़े से बड़े कंटेनर हैं वो भी भर जाते हैं। तो दोस्तों गर्मी में ढेर सारे हमको सूखे पत्ते मिल जाते हैं, हमारे सारे कंटेनर लगभग भर चुके हैं। मैं अब लेकिन अभी भी मैं सूखे पत्ते रखी हूँ, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। और मैं इस तरह से जो है मिट्टी भी बनाकर रखती हूँ दोस्तों, कि कब कहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे को फिर तुरंत तुरंत मिट्टी ना बनानी पड़े। तो इसमें मैं इस मिट्टी में मिलाती हूँ राइस हस्क खाद, जो कि मैं घर में बनाती हूँ, और साथ में साधारण मिट्टी और थोड़ी सी राख। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके हम रखते हैं ये। अब इसको बस हमको इसमें डाल देना है, क्योंकि हम इसको भर चुके हैं, अभी हमें कुछ करना नहीं है, बस डाल देना है। तो दोस्तों इस पत्ते से हमें अभी तो हमारे पौधों को पोषण मिलेगा ही, इसके बाद जब ये मतलब इससे हम फ्रूटिंग ले लेंगे तब ये हमें दोबारा मिलेगी ढेर सारी इसके नीचे खाद। तो होता क्या है कि हमारी मिट्टी हर बार जो है रिच होते जाती है, हमें ऊपर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े बहुत जो गार्डन से गार्बेज निकलते हैं उनको भी हम इसी में डालकर, उन्हीं पौधों से मैं गार्बेज बना लेती हूँ जिनसे मैं फ्रूटिंग लेती हूँ। तो हमारे पौधे इस तरह से लहलहाते हैं और हमें कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इसको मैं भरूँ, क्योंकि मेरे को इसको ऑफ करना पड़ेगा, एक हाथ से मैं नहीं। ये हमने बहुत अच्छे से अपना कंटेनर भर लिया। आप देखिए हमारी मिट्टी पूरी, मतलब मिट्टी दिख ही नहीं रही, खाद दिख रही है, जबकि ये मिट्टी है। इसको अगर पहले से आप मिक्स करके बोरियों में भर देंगे ना, तो इस तरह से हो जाती है, यानी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है आपके पौधे उगाने के लिए, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर। ये हमने डाली है थोड़ी सी राख, राख हमने पहले भी डाली थी, और ये है हमारा ब्लैक गोल्ड, यानी हमारे घर में ही हम जो गार्बेज से बनाते हैं खाद। तो थोड़ी सी ऊपर डाल दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मिर्ची लगाना है हमको, तो मिर्ची के लिए, हालांकि सारे पौधों को बहुत अच्छे पोषक तत्व चाहिए, लेकिन मिर्ची के लिए थोड़े और अच्छे चाहिए। ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये कर लिया कंटेनर तैयार। अब आइए हम बताते हैं इसमें क्या उगाएंगे। देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया। और दोस्तों मेरा कंटेनर, अब ये मिट्टी इसकी और नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे इसमें पत्ते भरे हुए हैं, तो ये जो होल है ना, यहाँ तक मिट्टी कभी आती ही नहीं है, क्योंकि उतनी मिट्टी या उतनी खाद की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, कम में ही हमारे पौधे उग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस भरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारे छत में फालतू का लोड पड़ेगा, और फालतू मिट्टी भी इतनी कहाँ से लाएंगे। दोस्तों एक बार मिट्टी मैं लेकर आई हूँ, इसके बाद दोबारा मैं कभी मिट्टी लेकर नहीं आई, इन्हीं से ही मैं अपने कंटेनरों को भरती हूँ, क्योंकि पत्ते की खाद हमारी बढ़ते जाती है, थोड़ी राइस हस्क भी मिलाती हूँ, थोड़ी राख मिलाती हूँ, तो हर बार मेरी मिट्टी बढ़ते जाती है, तो मुझे और मिट्टी की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हर कंटेनर से जितनी बार मैं निकालती हूँ, एक कंटेनर से मैं दो कंटेनर भर सकती हूँ, इतनी मिट्टी इसमें से निकलती है, क्योंकि जो हम मिक्स किए रहते हैं इसमें राख खाद और सूखे पत्ते, वो सारा कुछ जाकर इसमें मिक्स होकर खाद बन जाता है, तो मिट्टी हमारी हर बार बढ़ते जाती है। इसलिए सिर्फ एक बार मिट्टी मैं अपनी छत में चढ़ाई हूँ, दोबारा हम कभी मिट्टी लेकर नहीं आए छत में, उसी से ही हमारा कंटेनर भरता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम क्या उगाएंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसको मॉइस्ट करने के लिए, गीला करने के लिए। अभी हमारी मिर्चियाँ अच्छी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनको और पहले उगाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं नहीं बना पाई थी जगह, इसलिए ये हमारी मिर्चियाँ रह गई थी। तो दोस्तों ऐसे मैं थोड़ी सी बनाऊंगी जगह, और इनमें ऐसे करके देखिए, इनको जड़ के साथ दोस्तों इनको अलग नहीं करूँगी, ताकि इनको सौक ना लगे। ये देखिए एक बड़ा अच्छा कमेंट्स आया था, बोले आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, ऐसे लग रहा खाद खाद है, आप हाथों से ही पूरा काम कर लेती हैं। तो ये सच है दोस्तों कि मुझे खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं देखिए ऐसे है ना, ये ऐसे इसको पकड़े, ये देखिए, और यहाँ इसको डाल दिए, इसकी इसकी जड़ जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए,
मौसम हालांकि अच्छा है, लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, आप इस भ्रम में मत रहना कि पानी पड़ा है तो पानी नहीं डालना है, पौधे जल जाएंगे आपके। अभी भी मतलब कि ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए बारिश होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो फिर आप एक दिन इंतज़ार करके आपको पानी डालना होगा, नहीं तो पौधे झुलसने लगते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने जो ब्रेक लिया आप लोगों से, आप लोगों को पता नहीं है उस टाइम पे मैंने ढेर सारे काम किए। इस तरह से इसको हम निकालेंगे, ये देखिए, और ऐसे रख देंगे। बस ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब इस छोटे से कंटेनर में मैं इस एक वीडियो डालूँगी आपको, आपको सिर्फ फल दिखेगा इतना ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसमें उगाने के बाद भी हमारे से ये पौधे बच जाएंगे। एक एक ऐसा कंटेनर मुझे और लगेगा। तो दोस्तों है मेरे पास, ये देखिए ऐसे डालती हूँ हाथ यूं करके ये, अरे यहाँ तो मैंने गड्ढा ही नहीं बनाया था, कोई बात नहीं बना लेते हैं। देखिए पत्ते दिख रहे हैं, इतना मतलब वो है कि मिट्टी नहीं डाली हूँ ज़्यादा, पत्ते दिख रहे हैं। बीच में आप थोड़ा सा जब ये और दबेगा ना, तो खाद और मिट्टी जो आप मिक्स रखते हैं या नहीं रखते तो बना के, जैसे मैं बोरियों में रखती हूँ, तो जैसे मुझे लगेगा कि ये बहुत कम मिट्टी है या नीचे चला गया, तो मैं थोड़ी खाद मिक्स और डाल देती हूँ। तो दोस्तों एक कंटेनर के लिए पर्याप्त मेरे लिए बचा है, तो अब मैं एक कंटेनर बाद में बनाऊँगी और उगाऊँगी। तो दोस्तों मिर्ची को बहुत आसानी से, मिर्ची के बीज से, मिर्ची 400 प्रकार की होती है, आपके पास कितनी प्रकार है, मेरे पास 5-6 प्रकार से ऊपर है मैंने उगाया हुआ है। तो इस तरह से एक सीड से आप इसके मिर्ची के नॉर्मल सीड से आप इसको इस तरह से रोप दीजिए, मतलब ये नर्सरी है, नर्सरी तैयार करने के लिए थोड़ी आधी खाद आधी मिट्टी को उसमें बीजों को बिखेर दीजिए और ढक दीजिए, जब अंकुरण हो तो उसको देखते रहिए, 20 से 25 दिन 30 दिन में आप इसको ये रोपने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर इस तरह से आप रोप सकते हैं। मिर्ची को डायरेक्ट नहीं बोया जाता दोस्तों, मिर्ची की नर्सरी तैयार की जाती है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से मिर्ची तैयार करके उगा सकते हैं। ये जो मिर्ची है ना दोस्तों, इनकी भी मैंने नर्सरी तैयार करी थी और खुद ही तैयार किया था, कहीं मार्केट से लेकर नहीं आई थी। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पौधे में खुद ही तैयार करूँ। इसमें दोस्तों ये अदरक है, इसमें बहुत ज़्यादा भाजी और घास हो गया है, तो मेरे को थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। और ये है बैंगन की नर्सरी दोस्तों, बैंगन भी नर्सरी से ही तैयार होता है, पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उसको आप ऐसे जैसे मैंने मिट्टी बनाई वैसे मिट्टी बनाकर रोप दीजिए। तो इस तरह से आप बाकी जैसे बेल वर्गी सब्जियां हैं, तो आप चाहें तो इनकी नर्सरी तैयार करिए और चाहें तो आप इनको डायरेक्ट भी बो सकते हैं। ये जैसे मेरा डायरेक्ट उगा हुआ है और ज़्यादातर मैंने डायरेक्ट ही लगाया हुआ है। ये हल्दी है और ये देखिए, ये भी नर्सरी से ही हमने तैयार किया था। मिर्ची बहुत फली थी, एक टाइम पर खूब सारा तोड़ा था, अब फिर से फलना शुरू हुई है। और देखिए इसको यहाँ रख दी हूँ और फिर मैं खोजते रहती हूँ। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं नर्सरी से तैयार होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट उनको उगा सकते हैं। जैसे ये इसको भी पहले आप बीजों से तैयार करेंगे, ये है अडेनियम, और इसके बाद आप इसको थोड़ा बड़ा हो जाए साल भर का तो फिर आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों घास हो जा रहे हैं, साफ़ करती हूँ, अभी बहुत साफ़ किया, जब कैमरा ऑफ था ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती नहीं हूँ काम करती हूँ तो, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को देखते हैं और देखकर बोलते हैं, मैं आपको देखकर उसी तरह से हम भी उगाते हैं। तो इसको अगर किसी भी कंटेनर में आपके घास होता है तो उनको हटाते रहिए, नहीं तो आपके पौधे के पोषक तत्व घास लेते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा काम लगभग खत्म हो गया, पौधों में मैंने पानी डाल दिया जो मैंने आपको दिखाया नहीं था। देखिए गीला लग रहा होगा, ये हमारी अपराजिता को हमने उगाया, वहाँ मिर्ची उगा दिया, बैगन वैगन देखिए कैसे मुरझाए से लग रहे थे, फिर हमने कहा इन्हें पानी की ज़रूरत है। दोस्तों होता क्या है कि कंटेनर में बहुत सीमित जगह होती है, मिट्टी भी बहुत सीमित होती है, तो ये बहुत जल्दी मतलब सूखने लगते हैं। दोस्तों ये मुझे अपराजिता निराश कर रही है, मैं डबल पेटल का इंतज़ार कर रही हूँ और ये तो सिंगल पेटल धुने पड़ी है। हालाँकि हैं बड़े प्यारे दोस्तों, बहुत खूबसूरत, और ये बोलते हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए थे जिनमें अपराजिता, मधुकामिनी और पारिजात, तो ये तीनों भगवान को बहुत प्रिय हैं और बहुत शुभ हैं हमारे घर के लिए। कोई बात नहीं, मन तो था कि मेरे को डबल पेटल मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो थोड़ी निराशा तो होगी, पर
पर अभी जो मेरे को उसने दिया था दिव्या ने, वो दो पौधे उगे हैं मैंने देखा, तीन ही बीज थे, तो उनमें मैं देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। दोस्तों हैं बड़े हेल्दी हेल्दी और बड़े बड़े इसके, ये देखे ये तो दोस्तों इसको ले जाऊंगी और मैं गर्म पानी में डालकर इसको पीऊंगी। जो भी है चलो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी चीज़ों को बीमार होने पर ही इस्तेमाल करें, आप नॉर्मल भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में डालिए और बस 10 मिनट छोड़ दीजिए और इसके बाद एक चम्मच शहद डालकर पी लीजिए। तो दोस्तों हमारी भिंडी भी खूब फल रही है, जबकि ये पहले की है, लेकिन ये मिल ही जाती है दो चार। कई बार कैमरा ऑफ रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं बताई ना कि बहुत सारे काम कैमरा ऑफ में भी मैं करती हूँ। कुंदरू भी हमारा खूब सारा फल गया है। दोस्तों कुंदरू बल्ब से तैयार होता है, ये बीजों से तैयार नहीं होता है, मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं इसको बल्ब से ही तैयार करती हूँ। और एक बार इसको आप उगा देंगे ना, तो आप हटाते हटाते थक जाएंगे, ये हटता भी नहीं है फिर, क्योंकि पीछे तरफ हमने लगाया था, अब वो ऐसा, मतलब उसको मैं हर बार एक बाल्टी उखाड़ फेंकती हूँ, लोगों को बांटती हूँ, फिर फैल जाता है, फिर फेंकती हूँ, तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो बेलवर्गीय सब्जियाँ अभी भी आप उगा सकते हैं, ढेर सारी जो आपका मन हो, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, करेला, जो भी हो। देखिए एक दिन, मतलब कल हमने पानी नहीं डाला है, देखिए बेलवर्गीय सब्जियाँ, करेला कैसे मतलब मुरझाया हुआ, मरा नहीं है लेकिन बहुत गंदे तरीके से मुरझाया हुआ था। तो इसलिए दोस्तों इनका ध्यान रखना, पानी अभी भी इसमें मत रहना कि बारिश हो रही है, पानी नहीं डालना है। हाँ, जिस टाइम बारिश होती है उस दिन मत डालिए, लेकिन अगर 24 घंटे बारिश नहीं होती है तो फिर आपको पानी डालना होगा। और बारिश यानी सफिशेंट बारिश, यानी बूंदाबांदी नहीं, आपके पौधों के जड़ों में पानी जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से है मेरी खूबसूरत बगिया, आप भी इस तरह के बगिया के मालिक बन सकते हैं अगर आप उगाएं। देखिए बेलवर्गीय सब्जियां यहाँ भी हमारी हो रही हैं, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, बीन्स, ये सारी चीज़ें एक साथ हमने इनमें, मतलब एक एक किनारे, क्योंकि बड़ा कंटेनर है तो एक कंटेनर में एक चीज़ मैं ये नहीं लगा सकती ना बेलवर्गीय, क्योंकि ये फिर कितना कंटेनर में कहाँ से लेकर आऊँगी। इस तरह से दोस्तों ये सारा हमारा बिखरा हुआ है, क्योंकि हवा में जो है ऊपर हम बहुत अच्छा जमाया था, लेकिन हवा में सारे पौधे जब गिरे तो फिर हमने कहा बार बार ये कौन मशक्कत करेगा, मैं कहाँ कर पाऊंगी, इसलिए अभी मैंने बारिश तक इनको नीचे रख दिया है। जैसे बारिश हमें लगेगा कि कुछ कम हो रही है तो फिर इनको उठाकर, मतलब अंधड़ वगैरह, बारिश में अंधड़ आते हैं ना दोस्तों, तो वो पौधों को गिराते हैं, हमारे बोगनवेलिया और ये ढेर सारे पौधों को गिराया, तो उसको ठीक, मतलब बार बार ठीक करना, फिर उनका नुकसान होना, फिर वो मेरे बस का नहीं है ना दोस्तों, तो इसलिए हमने नीचे रख दिया है। इसमें भी हमने उगाया है दोस्तों ढेर सारा अडेनियम, और ये है हमारी अपराजिता, देखिए वाइट एंड ब्लू, इसमें ब्लू। तो इस तरह से दोस्तों हमारा है ये खूबसूरत गार्डन, इसका नाम बताना, आप हंसोगे मैं बताऊंगी तो इसलिए मैं नहीं बताती। दोस्तों कद्दू हमारा अभी भी फला हुआ है, आपके कमेंट्स आते हैं ढेर सारे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ती भी हूँ। ये देखिए हमारी ये बीन्स बहुत लंबी वाली है, अभी जैसे बारिश मतलब हो रही है ना, ऐसे थोड़ा सा इसके पौधे स्वस्थ होंगे तो खूब बड़ी बड़ी होंगी। इसको तोड़ना है दोस्तों, नारी भाजी को, करमता साग को, जो कि मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। और हमारा ये वाला साग भी दोस्तों, साग वाला मैंने बहुत सारा उगाया हुआ है, यानी लीफी वेजिटेबल हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं। एक दिन मैं इसको तोड़कर बनाऊंगी, देखती हूँ कैसा टेस्ट इसका होता है, क्योंकि हमने इसको खाया नहीं है अभी तक दोस्तों। कांदा भाजी है, एक डब्बा उधर पड़ा है, उसको मेरे को पौधा उगाने के काम आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और ये खूबसूरत गार्डन भी, कैंची ले चलूं दोस्तों, काम करने के लिए कैंची लेकर आई थी, तो आप अभी चलते हैं थोड़ा सा, ये जो हमारा नीचे का छत है ना उसको दिखा दूं आपको, उसका व्यू कैसा लग रहा है वो, इसके बाद फिर वीडियो कर। इसको देखिए, आज थोड़ा मुझे सूट करने में लेट हो गया, तो देखिए ये कैसे खिला हुआ है, कल का भी मैंने सूट किया है, उसको मैं ऐड करूंगी, आप देखिएगा एकदम गुलदस्ता बना हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारी बोगनवेलिया, जिनमें मैं देखभाल करती रहती हूँ, कई बार आपको बताती हूँ, कई बार आपको नहीं बता पाती हूँ। मैं हाथ में थोड़ी सब्जियाँ भी पकड़ी हूँ और आपको, आपके लिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर आर्टिफिशियल लग रहा है, देख रहे हैं, इधर भी घूम कर आपको बताती हूँ, ये देखिए।
तो दोस्तों इस तरह से आप लगा सकते हैं 21 ज्वेल्स है ये बोगनवेलिया में। ये जो है अभी फूल चुका है, अब ये मतलब इसके फूल जो है गिर गए हैं। अब ये फिर से देखिए, मतलब एक बार ये फूलता है 3 महीने रहता है, इसके बाद तुरंत अपने आप को तैयार कर लेता है नए फूलों के लिए। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसके फूल इस तरह से झुकते नहीं हैं, ये इस तरह से रहते हैं। तो दोस्तों बोनजाय के लिए बहुत अच्छा है 21 ज्वेल्स इस तरह से। दोस्तों इस टाइम पे इनको इनकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, जो कि मैं करते रहती हूँ, कई बार दिखाती हूँ और कई बार नहीं दिखाती हूँ। ये भाजियाँ सब्जियाँ हमारी कितनी सुंदर लहलहा रही हैं दोस्तों। मैंने देखा है कि इसको भी गांव में खाते हैं कहीं कहीं पर, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हटा दिया हमने। ये हमारी लाल भाजी, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो ज़रूरत नहीं है सब खाने की, क्योंकि मेरे पास चौलाई इतना ज़्यादा रहती है कि मैं उसी को खाते खाते थक जाती हूँ। भिंडियाँ देखिए आप, है ना कितनी खूबसूरत, देखिए आप, नहीं आप देखो, आप देखो। कोई एक कमेंट्स आया है कि हम बोर हो गए आपका वीडियो देख के, तो आप देखो, आप इनको देख के बोर होते हो क्या? हाँ, मुझसे बोर हो रहे हो या इन सब्जियों से बोर हो रहे हो जो इतनी खूबसूरत? देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, इतना सुंदर सुंदर, सुबह सुबह देखने के लिए इतनी इस खुशी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप बोर हो रहे हो। बताइए, आप जिस दिन आप उगाओगे ना इनको देख और देखोगे तो आपको मन हरा हो जाएगा, बोर नहीं होगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो ये ढेर सारे पौधे हैं जिनको मैंने अपने हाथों से तैयार किया है दोस्तों, कलम से। बस एक लगन होनी चाहिए आप में करने की, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप कुछ ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, और ख़ासकर महिलाएं ये कतई ना सोचे कि वो ये नहीं कर सकती। वो देखे कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं दोस्तों। मैं जो मतलब जितनी गाड़ियां हैं सब चला लेती हूँ, इवन ट्रैक्टर, बुलेट और ये सारा कुछ। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी को ना एरोप्लेन नहीं मिला, नहीं तो वो भी चला लेती, वो भी उड़ा लेती। तो हो सकता है सच बात हो, क्योंकि मुझ में लगन बहुत है, सीखने की लगन बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करती हूँ। मतलब कैसे करना है ये बहुत, देखिए तितली कितनी सुंदर आई है दोस्तों, देखिए इस तरह से अगर आप फूल लगाते हैं तो कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तितलियाँ आती हैं, चिड़िया पंछी आते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, बच्चे उनके पैदा होते हैं। अभी पीछे जो हमारे सामने जो हमारी लौकी लगी है ना, वहाँ भी बच्चे मतलब चिड़िया के हुए और वो उड़ गए, मैंने आपको दिखाया नहीं। ये देखिए परचुला का, दोस्तों परचुला का ज़रूर लगाना, वो बिना मेहनत का होता है और बहुत सुंदर होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे फूल आपको दिखते रहें। इतना सुंदर, दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंडी ठंडी मैं अपनी बोगनवेलिया के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कितने सुंदर खिले हुए हैं। अब ये जो है ना थोड़ा झड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये करीब 2 महीने से ऊपर इसको लगे हो गया। तो दोस्तों ये झड़ता जाएगा और ऊपर से ये और ये फूल बनते जाएंगे। ये नीचे जो है ना इसके, ये थोड़ा सा नीचे गिरते जाएंगे और जो है इनमें और फूल बनते जाएंगे। रुकिए मैं अच्छे से दिखाती। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत, बहुत आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बिना काम के बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें, ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं, छाछ पिएं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।